हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, इसमें मैं एचपी बंटवारी के बेसिक्स की डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, एचपी बंटवारी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इसके लिए हजारों जो हम स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगी और कब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो ऐसा काम आपने नहीं करना है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगी और कब हम प्रेपरेशन शुरू करें, तो मेरे दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसके लगभग 2 महीने के भीतर ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसका आपने वेट नहीं करना है, आप खुद प्रिपेयर्ड रहिए, एटलीस्ट सिलेबस जरूर कवर करिए। अगर मैं एचपी बंटवारी के सिलेबस की भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लगेंगे आपको सिलेबस खत्म करने में। तो इसके लिए सिविल स्टैप हिमाचल, तूफानी पहाड़ी, ये जो दोनों यूट्यूब चैनल्स हैं, इस पे हम एचपी बंटवारी के लिए कुछ सेशन भी आपके साथ लेके आते हैं। जैसे कि स्पेशली जो तूफानी पहाड़ी नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे हम मॉक टेस्ट वगैरह या फिर हिमाचल जीके की क्लासेस, अपनी मैथ की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप बिल्कुल तरीके से एक स्ट्रीमलाइन वे से प्रेपरेशन करना चाहते हो एचपी पटवारी की, तो उसके लिए अब हम अपना 6th बैच लेके आए हैं, जिसकी डिटेल मैं आप सभी के साथ आज के सेशन में शेयर करने वाला हूं। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक हाइलाइट्स आपको पता होनी चाहिए कि जो ये जो पेपर होता है, जो 10 प्लस 2 लेवल का पेपर है जी, अगर आपने प्लस टू करी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 to 45। जो स्टूडेंट हमारे जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो 18 टू 45 के इस ये जो स्लॉट है एज का, इसमें वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की, तो उनकी जो एज लिमिट रहती है दैट विल बी 18 to 50 इयर्स। 5 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा देखने को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें सिलेबस की बात करें, तो एचपी पटवारी का जो सिलेबस होता है ये लगभग आपको कुछ एसएससी के सिलेबस की तरह लगेगा। इसमें मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे आपके पास, इसमें आपको इंग्लिश के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, हिंदी के सवाल आएंगे और जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे। और जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स के अलावा आपको एचपी जीके के एमसीक्यू जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास ब्रीफ सिलेबस है, जिसमें आगे चल के मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें एक टेस्ट होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स नहीं ऐड हो रहे हैं। कोई भी अगर आप एग्जाम देखते हो तो अभी आप देखोगे कि पहले जो एचपीएसएससी भी एग्जाम कंडक्ट करवाता था वो पहले 85 मार्क्स का होता था, अब वो एग्जाम 100 मार्क्स का हो चुका है। तो डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो हो सकता है इस बार जो नोटिफिकेशन आए पटवारी की, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स इसमें ना आए। ठीक है, लास्ट में आएगा फाइनल सिलेक्शन। इसमें जाने की जो आपका मेन मेरिट बनेगा वो एग्जाम ही डिसाइड करेगा, जो जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और जिसकी हम आपको तैयारी करवाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें अपना जो इसका पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न है, तो टोटल 100 नंबर्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 25-25 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे, चाहे वो मैथ है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो जनरल नॉलेज है, इनके आपको 25-25 सवाल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इस एग्जाम के अगर मैं लेवल की बात करता हूं, तो इसका जो लेवल रहता है वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट होता है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ के स्पेशली मैंने आपको ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करवाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आपको आपको मॉक टेस्ट वगैरह डिस्कशंस भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें लेवल्स को आप देख सकते हो कि किस तरीके का लेवल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिक्स की, तो जो हमारा बेसिक्स होने वाला है ये एक रिकॉर्डेड कोर्स होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। तो काफी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि हिंदी मीडियम में हमें चाहिए, तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स होगा ये इंग्लिश मीडियम में भी होगा, हिंदी में भी होगा। यानी कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा जिस लैंग्वेज में अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी बोल रहा हूँ मेजोरिटी में, और कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा हूँ यानी कि इंग्लिश में। लेकिन जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश मीडियम में नोट्स को रीड करे, और जो हिंदी मीडियम का है वो हिंदी मीडियम में नोट्स को रीड कर सके। तो इस तरीके से हमने पूरा ये प्लान कराया है, जिसमें आपको दोनों लैंग्वेज के ऊपर आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे।
नेक्स्ट आएगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, जी हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर देयर कमांड, और जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम की जो डिमांड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड ऑफ एग्जाम, हम आपको सारा का सारा सिलेबस करवाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आप नोटिफिकेशन से पहले ही प्रेपरेशन कर रहे हो तो फिर आपने चूज नहीं करना है कि ये हम नहीं करेंगे या ये करेंगे, आपने जीएस के भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है ना, समय है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें पहले करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद लाइव डाउट सेशन जो कि होता है हर सैटरडे को हम कंडक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डाउट सेशंस के लिए आपका हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। इसके अलावा आप पोर्टल पे भी अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है जी। ज्यादा डाउट आपको ज्यादातर मैथ में होंगे, तो मैथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आपको मैं अपना नंबर शेयर करूंगा, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा। जो आपको डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि जब भी आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म होगा, हम आपको एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आपने पढ़ा है आप एक बार देख सको कि एग्जाम में जाने से पहले आपके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा कोर्स डिटेल्स का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रहेगा, इसमें कुछ इस प्रकार से हम आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो देंगे, जिसमें हमारे पास वीडियो कोर्स जो है जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 23rd February। स्टार्ट जो हम करेंगे वो 23 फरवरी से करेंगे, कोर्स जो एंड होगा वो 28 जून को होगा, यानी कि 28 जून तक आपको सारे के सारे लेक्चर जो है वो आपको अपने पोर्टल पे मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इनकी जो वैलिडिटी होगी वो क्या रहेगी हमारे पास, अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद सारे लेक्चर्स आ जाएंगे और कोर्स बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड आपके पास वैलिडिटी रहेगी, और एक लेक्चर आप कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है, एक लेक्चर कितनी भी बार देख सकते हो, और अनलिमिटेड आपके पास वैलिडिटी रहेगी। इस कोर्स की जो फीस है बिल्कुल नॉमिनल फीस हमने रखी है, दैट इज 3000 फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम फीस रहेगी, सेम फीस स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, कुछ इस तरीके से हमारा प्लान है कि हम पूरा का पूरा कोर्स आपको कैसे कवर करवाएंगे। स्टार्ट हम करेंगे एचपी जीके और मैथमेटिक्स, जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनसे हम शुरू करेंगे। एचपी जीके के हम आपको 16 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, और मैथ के आपको रहेंगे 40 लेक्चर, जिसमें पूरे के पूरे जो 18 चैप्टर्स हैं हमारे सारे कवर होंगे, ठीक है, और एचपी जीके के भी सारे डिस्ट्रिक्ट हर एक चीज कवर होगी। प्लस उसके बाद आएगा हमारे पास इंग्लिश, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, हमने इस तरीके से रखा है। देखो 25 नंबर का मैथ आता है तो एक स्लॉट में आपका मैथ चलेगा, दो सब्जेक्ट एक साथ शुरू होंगे तो एक स्लॉट में मैथ चलेगा, फिर जो दूसरा पेयर बनेगा दूसरे स्लॉट में इंग्लिश चलेगी, तीसरे स्लॉट में हिंदी चलेगी, मतलब एट ए टाइम, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट आपको जो मेन सब्जेक्ट है वो मिलेगा मिलेगा, और बाकी जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट है वो साथ में उनके साथ चलते रहेंगे। तो मैंने दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट एक साथ नहीं दिए हैं, ताकि आपका टाइम जो है आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे लगा सको, मैं इस तरीके से पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है जो हमने बनाया है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने पूरा का पूरा कोर्स खत्म करना है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी डिटेल्स थी, आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आपको, आपने उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है। अगर आप इस पर्टिकुलर बैच के डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर्स का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मोबाइल पे ये सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो तो मोबाइल पे देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सिविल स्टाफ हिमाचल। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जब आप जाओगे तो वहां पे आप लिखेंगे एचपी पटवारी, तो आपको डेमो लेक्चर्स भी दिख जाएंगे वहां पे, और साथ में आपको हमारा जो कोर्स है वो भी दिख जाएगा, बैच 6 जो आपने ज्वाइन करना है। अगर आप एप्पल के यूजर्स हो तो फिर आप सफारी पे जाके सिंपल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करिए, सीधा आ जाएगा आपके पास, क्लियर। तो ये था जी हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने बेसिक्स के बारे में आपको बताया है, आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। बाकी अपने दोस्तों को जरूर बताना अगर उन्होंने प्लस टू करी है और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो पटवारी इज द बेस्ट ऑप्शन, 1000+ इसमें वैकेंसीज आएंगी, और प्रेपरेशन आप अगर पहले से ही करके रखोगे तो आपको एक एज मिल जाएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन के बाद अगर तैयारी करना शुरू करोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी एग्जाम को क्रैक करने में, या फिर सिलेबस अपना खत्म करने में। सिलेबस तो खत्म कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे, तो अगर एक भी चीज मिस हुई तो एग्जाम इतना ज्यादा ये कॉम्पिटेटिव है, यानी कि ये मान के चलो कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इसको भरने वाले हैं फॉर्म को,
4000 वैकेंसीज। तो आपने अपनी प्रेपरेशन को जल्दी ही शुरू करना है, हमारे साथ शुरू करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल तूफानी पहाड़ी पे भी इसके सेशन चलते हैं, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।